राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक 11 अगस्त को ऐलान किया कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली। इसके बाद पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स अचरज में पड़ गए। इसी बीच में रूस ने एक बार फिर से खुशखबरी देते हुए बताया है कि इसी हफ्ते ये वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इस हफ्ते से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया। रूसी न्यूज एजेंसी टास ने रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज के डिप्टी डायरेक्टर डेनिस लोगुनोव के हवाले से कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के साथ व्यापक उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इस वैक्सीन का टेस्ट शुरू करने जा रहा है और हम जल्द ही इसकी अनुमति हासिल कर लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि आम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए निश्चित प्रक्रिया है। 10 से 13 सितंबर के बीच नागरिक इस्तेमाल के लिए वैक्सीन के बैच की अनुमति प्राप्त करनी है। इसके बाद जनता को वैक्सीन लगाई जानी शुरू हो जाएगी। बता दें कि इस वैक्सीन को मॉस्को में गालमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडेनो वायरस को बेस बनाकर तैयार किया है। इस वैक्सीन के 2 ट्रायल इस साल जून जुलाई में हुए थे और इसमें 76 प्रतिभागी शामिल थे। परिणामों में 100% एंटीबॉडी विकसित हुई है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।